लापता नाबालिग की हत्या का मामला सामने आया है। 23 मार्च 2023 से अभिनव उर्फ बिट्टू डावर बुलेट बाइक सहित लापता था। लापता युवक भगवानपुरा के निर्दलीय विधायक केदार डावर का भतीजा है। पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया है। नाबालिग युवक की लाश खरगोन के डाबरिया में झाड़ियों से आरोपियों की निशानदेही पर बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि बुलेट मोटरसाइकिल मांगने पर नहीं देने से 2 युवकों ने हत्या की थी। जिला अस्पताल में PM जारी है। विधायक केदार डावर, SDOP राकेश मोहन शुक्ला, TI BL मंडलोई सहित बड़ी संख्या में परिजन मौजूद है। खरगोन कोतवाली पुलिस जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। ये क्या दुखद घटना हुई, क्या मामला है पूरा? बिल्कुल, बहुत गंभीर दुखद घटना है। ये हमारा भाई का लड़का है, कजिन ब्रदर है हमारे, काका जी के लड़के का लड़का है। और घर से 23 तारीख को लगभग 4 बजे वहाँ से घर से निकला, चॉकलेट खाऊंगा, 10 रुपये घर से लेके निकला था। मम्मी किचन में फ्रिज पे से दिए थे जो बताया मुझे। और उसके बाद मम्मी ने कहा कि वो गणेश भाई की दुकान से एक गोली भी ले आना, मेरी पीठ दुख रही। तो बोला मम्मी मैं आता हूँ, गोली भी लाता हूँ, पीठ भी दवा, ये कह के निकला। उसके बाद वो घर नहीं आया। सामान्य तो वो घंटे आधे घंटे एक घंटे में आ जाता था, उस वक्त आया नहीं। 8 बजे बाद उसको, 8 बजे तक नहीं आया है तो उसको लगाओ फोन बंद आ रहा था। और फोन बंद आने के बाद सामान्य तो आसपास रिश्तेदारों के यहाँ और इधर उधर पूछते रहे, लेकिन जब कहीं पता नहीं लगा तो फिर दूसरे दिन पुलिस में रिपोर्ट डाली। रिपोर्ट डालने के बाद मोबाइल जो था उसको ट्रेस करने के लिए साइबर में दिया, और साइबर के माध्यम से जो अंतिम समय जिससे बात की थी वहाँ तक पुलिस पहुँची। लंबी पूछताछ के बाद कल रात को हमारे जो बिट्टू बालक अभिनय है उसकी डेड बॉडी डाबरिया रोड पे अपने तालाब किनारे झाड़ियों में पाई गई, उनकी निशानदेही पे ही पाई गई। क्या लग रहा है आपको, मर्डर कर दिया? बिल्कुल स्पष्ट है, वो मर्डर है, बिल्कुल मर्डर। क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल जांच होना चाहिए। और ये ऐसी जो घटनाएं हैं, जैसे खरगोन जैसा शहर हमारा शांत प्रिय है, और वहाँ पे ऐसी घटना इस तरह की होना एक बहुत गंभीर हम सब के लिए बात है, और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि अन्य अपराधी जो ऐसे इस किस्म के जो लोग हैं जो ऐसी धारणा अपने मन में रखते हैं, उनको मन में डर पैदा हो। तो क्या कारण लग रहा है मतलब मर्डर का? कारण अभी सामान्य तो कुछ सामने स्पष्ट नहीं आया, लेकिन संभवतः तो वो गाड़ी जो थी बुलेट वो लेके भागे थे, हो सकता हो गाड़ी के उसमें या और उनकी कोई ब्लैकमेलिंग करने की या कोई जो है इच्छा रही हो। अब वो पूछते जांच में सब पाया जाएगा। नहीं, कोई रंजिश, कोई रंजिश। क्या घटना हुई? ये अभिनय डावर जो है, इसका 23 तारीख को शाम से लापता था। इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कल रात को पता चला, दो जो जिन पे शंका थी उनको रिमांड पे लिया था पुलिस ने। फिर पता चला कि इसका उन्होंने मर्डर कर दिया, और वहीं पे डाबरिया रोड पर इसको झाड़ी पे बोतल से मार करके और लटका दिया। नहीं, ये लड़का, ये जो दो लड़के हैं ये भिकन गांव के हैं, और ये तो खरगोन में रहता था, पढ़ता था। जान पहचान हो गई थी, बस केवल फॉर्मल जान पहचान थी, और इसके पास बाइक थी। संभावना ऐसे ही है कि बाइक के पीछे इस, क्योंकि इसकी बाइक, इसको मारने के बाद इसकी बाइक भी ले गए, और वो उसकी बाइक को चलाते भी थे। क्या कारण? पहले उसने कुछ बताया था कि? हाँ, घर से वो 10 रुपये लेकर के सिर्फ गोली लेने गया था नाके पर, रात में, दिन में। उसके बाद लौटा नहीं। क्या कारण लग रहा है प्रारंभिक रूप से? कारण यही लग रहा है, इसकी बाइक के पीछे उसको मार दिया इन लोगों ने। बाकी हम कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, और ये जो ये सोच है ये बड़ी खतरनाक है खरगोन के और भी बच्चों के लिए भी। क्या नाम लिखते हैं? मैं प्रतीक पवार नाम लिखता हूँ। आपका कौन लगता है? ये मेरे पड़ोसी हैं। हेलो फ्रेंड्स,
आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।